हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम बैक। क्या हाल है? तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों प्लास्टिक पेंट और रॉयल पेंट में क्या अंतर है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, जितने भी सारे इमल्शन पेंट होते हैं टेक्निकली जो हम बात करें, वो प्लास्टिक पेंट में ही आते हैं, उनको ही हम प्लास्टिक पेंट बोलते हैं। चाहे एशियन पेंट के हो, चाहे नैरोलैक हो, बर्जर हो, कोई भी कंपनी का जो इमल्शन पेंट होता है उन्हें हम प्लास्टिक पेंट बोलते हैं। तो उनमें जो वाशेबिलिटी का फीचर होता है उस हिसाब से हम कैटेगराइज कर देते हैं कि कौन सा प्लास्टिक पेंट हाई लेवल का है, कौन सा प्लास्टिक पेंट लो लेवल का है। जैसे एशियन पेंट में ट्रैक्टर रेंज आती है, उसकी जो वाशेबिलिटी होती है लो लेवल की होती है, तो इसलिए हम उसे लो लेवल का प्लास्टिक पेंट बोल देते हैं। और जो रॉयल रेंज है उसकी वाशेबिलिटी बेस्ट इन द क्लास होती है, इसलिए हम उसे हाई लेवल का प्लास्टिक पेंट बोल देते हैं। तो सिंपल सी बात है, टेक्निकली सारे मंचन पेंट प्लास्टिक पेंट होते हैं, तो वाशेबिलिटी के फीचर के हिसाब से हम उसे कैटेगरी कर देते हैं कि कौन सा बेस्ट प्लास्टिक पेंट है, कौन सा लो लेवल वाला प्लास्टिक पेंट है। तो इसीलिए हम रॉयल पेंट को ही प्लास्टिक पेंट बोल सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि सिंपल प्लास्टिक पेंट किसे कहते हैं और रॉयल में और प्लास्टिक पेंट में क्या अंतर है। तो दोस्तों, हर प्रोडक्ट की मार्केट में वाशेबिलिटी का फीचर जो होता है अलग अलग हो सकता है, चाहे बर्जर है, नैरोलैक है, ड्यूलेक्स है, एशियन है, हर एक का अलग अलग होता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि इतने प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, बहुत पजलिंग हो चुका है आज के टाइम में चूज़ करना कि कौन से हम चूज़ करें प्रोडक्ट। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से प्लास्टिक पेंट अगर आप करवाना चाहते हैं तो चूज़ कर सकते हैं। जैसे ट्रैक्टर रेंज लो लेवल का है वो कर सकते हैं, एप्कोलाइट रेंज आती है थोड़ी मीडियम लेवल की, और हाई रेंज चले जाती है अपनी रॉयल हो गया या अल्टीमा रेंज हो गया एशियन पेंट में, और दूसरी कंपनियों में भी काफ़ी आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिल जाएंगे प्लास्टिक पेंट। और आप डीलर से पूछ सकते हैं, आप खुद भी आजकल तो गूगल है, नेट पे सर्च कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं कि वाशेबिलिटी किसकी बेटर है, किसकी लो है, किसकी हाई है, किसकी मीडियम है, ये सब आप देख सकते हैं। तो ये था सिंपल सा प्लास्टिक पेंट और रॉयल पेंट में अंतर। तो होप आप अपनी घर की दीवार के लिए जब भी चूज़ करेंगे प्रोडक्ट और आप सर्च करके चूज़ करिए तो बेटर रहेगा। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों? अगर अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।